वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा ब्लॉग है महाशिवरात्रि के ऊपर। आई होप इंडिया में और इंडिया से बाहर सभी जगह पर पूरे देश में आज शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है, बड़े जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। और उसी के लिए हम लोग आए थे थोड़ा प्रसाद लेने के लिए जो है, तो प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद फिर हम लोग मंदिर की तरफ निकल गए। जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और वैसे सभी मंदिरों में भीड़ होती है, लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, पूजा हो गई, और बिल्कुल पूरा एकदम हैप्पी फ्रेश उस तरीके की वाइब्स आ गई थी। और बहुत सारे लोग थे, जो सभी लोग मोस्टली आज दर्शन के लिए आते हैं। तो मंदिर को भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था, बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। फ्लावर की डेकोरेशन सबसे अच्छी लगती है जो है, और वो दो तीन दिन तक रहती भी है, तो बहुत ही प्यारी लगती है। मैंने आज साड़ी वेयर की थी, प्रणवी ने वाइट कलर का फ्रॉक पहना है, कुकू ने भी वाइट कलर का। अरे ऐसे टच नहीं करते। बस हम लोग निकल लिए वहाँ से, मंदिर से। अभी देखेंगे, हम लोग पूजा कर रहे थे तो ये नवग्रह की पूजा है। ये बहुत सारे मंदिरों में होती है, बहुत सारी जगहों पर, तो यहाँ पर ये नवग्रहों की पूजा चल रही है, जो सभी लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हुए थे। बाकी ये हमारे मंदिर का एंट्रेंस है, किस तरह से मंदिर है, और चढ़ते ही हमारे सोसाइटी के अंदर ही है। और बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया है, तो सभी लोग करते हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया था। और आसपास में प्लांट्स भी लगाए हैं, तो प्लांट्स लगाने से और ज़्यादा सुंदर लगता है, खूबसूरत लगता है, एकदम नेचुरल वेव्स आ रही होती हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाया गया है इसको। और एकदम साफ़ सुथरा भी रहता है, एकदम नीटन क्लीन। ये सब लोग दर्शन कर रहे हैं जो है, और यहाँ पर पंडित जी भी हैं, जो कुछ कुछ चीज़ें करते रहते हैं अपने अपने तरीके से, जिस तरह से लोग पूजा करते हैं। सभी लोगों ने आज बहुत ही हैप्पी वे में और बहुत अच्छे तरीके से महाशिवरात्रि का ये त्यौहार मनाया। आई थिंक इस दिन शिव जी की शादी हुई थी पार्वती जी से, तो इसी के उस पर ये मनाते हैं, इसका मेन जीवन मिल गया। यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा था, तो प्रसाद में भांग था और नॉर्मल रेट भी था। भांग वाला भी ले सकते हैं, नॉर्मल ज़्यादा बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, और जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। फ्रूट्स इस तरह का प्रसाद, सभी लोग अच्छे से प्रसाद ले रहे थे, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, और सभी लोग मिल कर के करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सभी लोग मिल कर के करना था। सभी लोगों ने मिल कर के अपना प्रसाद वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट किया, और बहुत अच्छे तरीके से शिवरात्रि का ये आयोजन किया। तो यहाँ पर ये लोग बना रहे, तो देखेंगे तो सारी चीज़ें वही जैसे जो होती है, मिल्क वगैरह ये सारी चीज़ें डालते, वही सारी चीज़ों का यूज़ किया है, उसी तरीके से एक तरह से भंडाई बनाएंगे। तो कुछ ये है हांग वाली है, कुछ सिंपल है, तो दोनों तरह की बनाएंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं सारे जेंट्स लोग मिल करके। थैंक यू, थैंक्स फॉर।